नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, इस क्लास में हम जीके जीएस का चौथा प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं, जिसमें दोस्तों सभी प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। दोस्तों, ये हमारा पॉलिटी का दूसरा प्रैक्टिस सेट है। कल भी हमने दोस्तों पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट किया था, जिसमें सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों, हम एक प्रैक्टिस सेट में 50 प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपने पिछले सभी प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन गलत है, तो दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट के लास्ट में आंसर की दी है, आप वहाँ से अपना आंसर चेक कर सकते हैं। तो चेक आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास ये पीडीएफ पहुँचेगी, ठीक है। तो पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं तो वहाँ से आप इसे पूरे प्रैक्टिस सेट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। तो दोस्तों, मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को दी गई है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है। तो मौलिक अधिकारों को कौन लागू करता है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। बनाता कौन है? संसद, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को दोस्तों मौलिक अधिकारों का रक्षक भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो दोस्तों, संविधान संशोधन 42, ठीक है, इसे लघु संविधान कहा जाता है, जो कि 1976 में इंदिरा गांधी के समय हुआ था। मतलब इंदिरा गांधी दोस्तों 1976 में भारत की प्रधानमंत्री थी, जिन्होंने 42वां संविधान संशोधन कराया था, ठीक है। तीसरा प्रश्न है कि जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। चौथा प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और में प्रारंभ की गई थी। तो दोस्तों, सर्वप्रथम राजस्थान और आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी, ठीक है। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में, ठीक है, और आंध्र प्रदेश में दोस्तों 11 अक्टूबर 1959 में शुरू की गई थी, ठीक है। ये 59 दोस्तों, ठीक है, तो याद रखिएगा। पांचवा प्रश्न है कि पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो दोस्तों, पंचायत के चुनाव कराने का जो निर्णय लिया जाता है तो वह राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। कराता कौन है? तो दोस्तों, राज्य का चुनाव आयोग, ठीक है। राज्य का चुनाव आयोग पंचायत चुनाव कराता है, जबकि निर्णय राज्य सरकार लेती है। छठा क्वेश्चन है कि एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है। तो एक विकास खंड पर पंचायत समिति एक प्रशासकीय अधिकरण होती है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। सातवां प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त हैं? तो दोस्तों, भारतीय संविधान की 22 भाषाओं को क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। मूल संविधान में दोस्तों 14 भाषाएं शामिल थीं। बाद में दोस्तों 8वीं अनुसूची में संशोधन किए गए और उसके बाद दोस्तों वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल हैं। आठवां प्रश्न है कि संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो दोस्तों, 61वां संविधान संशोधन 1989, इसके तहत दोस्तों वोट डालने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अगला प्रश्न है कि 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, वर्तमान में 1410 संख्या है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। दसवां प्रश्न है, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल है? तो दोस्तों, राज्यसभा का कार्यकाल कुछ नहीं होता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, मतलब समाप्त होने का विषय नहीं है। राज्यसभा दोस्तों कभी भी समाप्त नहीं होती। जो इसके सदस्य होते हैं दोस्तों,
उन सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, जो कि हर 2 साल में 1/3 सदस्य बदलते रहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बनता है। जब दोस्तों कोई भी विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाता है और संसद के दोनों सदनों में पारित हो जाता है तो दोस्तों ये तब तक अधिनियम नहीं बनता जब तक दोस्तों राष्ट्रपति अपनी सहमति नहीं दे देता। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, 12वां प्रश्न है कि एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो दोस्तों संसद की कार्यवाही में जो भाग ले सकता है तो वह आपका महान्यायवादी ले सकता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, महान्यायवादी। ये दोस्तों अनुच्छेद 76 में वर्णित है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। 13वां प्रश्न है कि श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है। तो दोस्तों प्रतिभा पाटिल भारत की 12वीं राष्ट्रपति बनी थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। 10वें थे दोस्तों शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, 11वें थे दोस्तों APJ अब्दुल कलाम और 13वें हैं दोस्तों प्रणब मुखर्जी। 14वें हैं दोस्तों आपके रामनाथ कोविंद और वर्तमान में 15वीं हैं दोस्तों द्रौपदी मुर्मू। तो याद रखिएगा कि वर्तमान में जो हमारे राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू तो वह 15वीं राष्ट्रपति हैं। ठीक है, 14वां प्रश्न है कि भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट इसका मानस सूत्र है। तो दोस्तों ये है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। 15वां प्रश्न है कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। तो एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र जो देता है तो वह राष्ट्रपति को देता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। जबकि दोस्तों राज्य का जो हाई कोर्ट होता है, ठीक है, और वहाँ के जो न्यायाधीश होते हैं उन्हें शपथ जो दिलाने का कार्य करता है तो वह राज्यपाल करता है, और नियुक्त कौन करता है तो नियुक्त दोस्तों राष्ट्रपति करता है। 16वां प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। तो ये दोस्तों अनुच्छेद 25 के तहत माना गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो धर्म की जो स्वतंत्रता है तो वह आपके अनुच्छेद 25 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप जो लगाया जा सकता है तो वह किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों जब इसका निर्वाचन होता है राष्ट्रपति का तो दोनों सदन के सदस्य भाग लेते हैं। इस कारण, ठीक है, जो महाभियोग का आरोप होता है तो वह कोई सा भी सदन लगा सकता है। जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है दोस्तों तो राज्यों की विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों दोस्तों भाग लेते हैं। ठीक है, और जो राज्यसभा लोकसभा होती है तो इसके मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। ठीक है, तो याद रखिएगा। और जब दोस्तों महाभियोग लगाया जाता है तो महाभियोग लगाते समय दोस्तों जो मनोनीत सदस्य होते हैं तो वह भी दोस्तों इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राज्यपाल को वेतन तथा भत्ते दिए जाते हैं। तो राज्यपाल को वेतन भत्ते जो दिए जाते हैं तो वह राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। जबकि दोस्तों राज्यपाल को जो पेंशन दी जाती है तो पेंशन केंद्र की संचित निधि से दी जाती है। केंद्र की संचित निधि दोस्तों अनुच्छेद 266 में वर्णित है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, 19वां प्रश्न है कि केंद्र राज्य संबंध में राज्यों की स्थिति नगर पालिका की तरह होती है। ये दोस्तों वित्तीय रूप से राज्य का केंद्र पर निर्भरता। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। 20वां प्रश्न है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है। तो दोस्तों हिंदुस्तान
शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं मिलता, या आप याद रखिएगा भारत और इंडिया शब्द का उल्लेख मिलता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है। जबकि भारत के नाम भारत, हिंदुस्तान, इंडिया तीनों हैं। 21वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? तो दोस्तों सूचना का अधिकार, ये जो अधिकार है यह भारत के मूल संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया था, ठीक है। इसे दोस्तों बाद में जोड़ा गया, ये आप याद रखिएगा, और वर्तमान में दोस्तों ये अब एक अधिकार है, ठीक है। 22वां प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी? तो भारत के किसी भी राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री जो बनी तो वह उत्तर प्रदेश में बनी थी, सुचेता कृपलानी, ठीक है। और राज्यपाल भी जो रही पहली महिला, तो वह भी दोस्तों उत्तर प्रदेश की रही थी। अगला प्रश्न है कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो दोस्तों अनुच्छेद 243 के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो केंद्र में दोस्तों द्वैत शासन जो स्थापित किया गया था, तो वह भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया। जबकि प्रांतों में जो किया गया था द्वैत शासन लागू, तो वह भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत किया गया था, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो दोस्तों अनुच्छेद 255 के तहत केंद्र का दायित्व है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक आक्रमण से राज्यों की रक्षा करे। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है। जबकि दोस्तों बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति के कारण जो आपातकाल लगाया जाता है, तो वह अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है, 352 के तहत लगाया जाता है, जिसे राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। और राष्ट्रीय आपातकाल दोस्तों अभी तक भारत में 3 बार लगाया जा चुका है, ठीक है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति आपातकाल है, अनुच्छेद 360 में दोस्तों वित्त आपातकाल है, ठीक है। तो याद रखेगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि गीत जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया? तो दोस्तों 1950 में 24 जनवरी को स्वीकृति दी गई थी, याद रखेगा, ठीक है। तो जनगण मन को दोस्तों भारत का राष्ट्रगान जो बनाया, तो वह 24 जनवरी 1950 को बनाया गया। अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो भारत का अंतिम वायसराय था दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है। और अगला प्रश्न है, फिर बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, कि संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया था? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी, विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं में चयनित उम्मीदवारों के रूप में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, मतलब जो संविधान सभा में दोस्तों सदस्य थे 389, ठीक है, प्रारंभ में, तो ये इन सदस्यों का जो चुनाव हुआ था, तो वह विभिन्न विधानसभाओं में जो चयनित उम्मीदवार थे उनके द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे दोस्तों वीआर अंबेडकर। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है। 30वां प्रश्न है कि संविधान प्रारूप समिति में अध्यक्ष को मिलाकर सदस्य थे? तो दोस्तों संविधान की जो प्रारूप समिति थी, इसमें अध्यक्ष को मिलाकर कुल 7 सदस्य थे। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है, एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य है। अध्यक्ष दोस्तों हमने ऊपर पढ़े बी आर अम्बेडकर। 31वां प्रश्न है कि संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया था? तो दोस्तों संविधान सभा में कुल 13 समितियां थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए।
32वां प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो दोस्तों अभी आपको बताया था कि 389 सदस्य थे, सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, जो दोस्तों हमारी संविधान सभा बनी थी तो वह कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर बनाई गई थी। 33वां प्रश्न है कि भारत का संविधान लागू हुआ था, तो भारत का संविधान जो लागू हुआ तो वह आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, जबकि दोस्तों अंगीकार जो किया गया था भारत का संविधान तो वह 26 नवंबर 1949 को किया गया था, और 26 नवंबर को दोस्तों हम संविधान दिवस भी मनाते हैं, ये आप याद रखिएगा। 34वां प्रश्न है कि भारत का विभाजन किस तिथि से प्रारंभ में आया? तो भारत का विभाजन जो हुआ था दोस्तों तो वह 15 अगस्त 1947 को हुआ था, सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत का संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना, तो भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य जो बना तो वह 26 जनवरी 1950 को बना था, जब भारत का संविधान लागू हुआ था। 36वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ा है? तो भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रभाव जो पड़ा तो वह दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा है। सर्वाधिक जो स्रोत लिए हैं दोस्तों हमने भारतीय संविधान में तो वह भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही लिए हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व में लिखित संविधान किस देश का सबसे विस्तृत है? तो दोस्तों सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है तो वह अपने भारत का संविधान है, सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। जबकि दोस्तों पूरे विश्व में पहला लिखित संविधान जो है तो वह अमेरिका देश का है, और कब बना तो यह दोस्तों 1789 में बना था। जबकि दोस्तों लिखित संविधान की अवधारणा कहाँ जन्मी? तो दोस्तों फ्रांस में जन्मी थी। 38वां प्रश्न है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ था? तो पहली बार विभाजन दोस्तों 1969 में हुआ था, सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। 39वां प्रश्न है कि संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था? तो ये किया था दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने, सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों प्रस्तावना को संविधान सभा के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तुत किया था। निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य की जो बात की गई है तो वह भारत की संविधान की प्रस्तावना में की गई है, सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो संविधान की प्रस्तावना जो है तो वह भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताती है। 41वां प्रश्न है कि वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत के संघ के साथ बलपूर्वक मिलाया गया? तो ये मिलाया गया था दोस्तों हैदराबाद को 1948 में। ठीक है, तो 1948 में दोस्तों हैदराबाद को बलपूर्वक भारत में शामिल किया गया था। ठीक है, और किसने अहम भूमिका निभाई? तो दोस्तों सरदार पटेल ने अहम भूमिका निभाई थी इसे मिलाने में, और एक ऑपरेशन चलाया गया था, ठीक है, भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन पोलो, जिसके तहत इसे शामिल किया गया था। जम्मू कश्मीर को दोस्तों विलय पत्र के आधार पर, एक और आती है दोस्तों जूनागढ़, तो जूनागढ़ दोस्तों सहमति से दोस्तों शामिल हो गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? तो देशी रियासतों का एकीकरण का श्रेय जो जाता है तो वह दोस्तों सरदार पटेल को जाता है, सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, और इनके साथ एक और व्यक्ति थे केपी मेनन। ठीक है, तो याद रखिएगा ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने देशी रियासतों का एकीकरण किया था। इसी कारण दोस्तों भारत का बिस्मारक जो बोला जाता है तो वह सरदार पटेल को बोला जाता है, और इन्हें ही भारत का लोह पुरुष भी कहा जाता है। 43वां प्रश्न है कि भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो भारत का संविधान भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है, सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। और ये दोस्तों पहली अनुसूची, ठीक है, पहला अनुच्छेद और पहले भाग में ही बोला गया है। 44वां प्रश्न है कि किसने कहा था कि राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसे सुविधा पूर्वक भुनाया जा सकता है?
तो ये कहा था दोस्तों केटी साहनी, सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान, तो भारत का संविधान दोस्तों एकल नागरिकता प्रदान कराता है, सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। और ये नागरिकता ली है दोस्तों ब्रिटेन से, ठीक है। तो याद रखिएगा कि भारत ने एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया है, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया है। 46वां प्रश्न है कि भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले किस व्यक्ति के लिए न्यूनतम कितने समय तक भारत में रहना अनिवार्य है, तो दोस्तों 10 वर्षों तक भारत में रहना अनिवार्य है। 47वां प्रश्न है समान नागरिक संहिता कॉमन सिविल कोड किस राज्य में लागू है, ठीक है। तो दोस्तों ये गोवा में लागू है और ये स्वतंत्रता से पहले ही दोस्तों लागू थी, ठीक है, और पुर्तगालियों के द्वारा इसे लागू किया गया था। अगर आपसे पूछा जाएगा कि वर्तमान में स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला राज्य कौन सा है, तो दोस्तों अपना उत्तराखंड है, ठीक है। तो उत्तराखंड ने दोस्तों UCC को लागू किया है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और ये है स्वतंत्रता के बाद इसे लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। 48वां प्रश्न है कि नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो दोस्तों अनुच्छेद 44 में वर्णित है, सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। और यह दोस्तों एक नीति निर्देशक तत्व है। अगला प्रश्न है कि किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में स्वर्ण सिंह की रिपोर्ट पर, ठीक है, मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और यह दोस्तों रूस के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। इस समय भारत की जो प्रधानमंत्री थी तो वह दोस्तों इंदिरा गांधी थी। 50वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश संविधान के किस विशेषता को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, ठीक है। विधि का शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया, संसदीय पद्धति की सरकार, इन तीनों को दोस्तों ब्रिटिश संविधान की विशेषता को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये थे दोस्तों हमारे 50 प्रश्न। आई होप ये 50 प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। ये सभी प्रश्न दोस्तों पिछले एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है। दोस्तों पॉलिटी के प्रश्न लगभग 3 से 4 प्रश्न पूछे ही जाते हैं अगर आपका 100 नंबर का पेपर है, ठीक है। दोस्तों कल और आज हमने पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट किया था, नहीं हम दोस्तों हम बीच बीच में अपना मिक्स प्रैक्टिस सेट भी करते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको एक प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। आई होप ये प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।